नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरैनी में बन रहे जल मीनार का पीएचडी मंत्री ने किया निरीक्षण, कहा जल नल योजना में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नाथनगर में संदिग्ध वस्तु मिलने पर इलाके में मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। बांका में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला आया सामने, पीड़ित परिजनों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सुल्तानगंज पहुंचे जल संसाधन मंत्री जयंत राज, कहा सिंचाई का रुका हुआ कार्य जल्द होगा पूरा। और उसको लेकर पीर बसपा की दरगाह पर हुई चादरपोशी। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव सोमवार को भागलपुर के पुरैनी पहुंचे, जहां मंत्री ने 50,000 लीटर क्षमता के विशाल जल मीनार का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को जल नल की सुविधा मिले, यह सरकार का लक्ष्य है और इसमें किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा कि राज्य भर की जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य है और इसी को लेकर वे औचक निरीक्षण करने पुरैनी पहुंचे हैं, जबकि इसके अलावा राज्य भर में उन्होंने भ्रमण कर जल नल आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने और पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और सरकार के द्वारा विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता समेत तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा भी मंत्री ने विकास कार्य और सरकार की योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए जिले के वरीय अधिकारियों के साथ विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। मौके पर कई पदाधिकारी, विभाग के अभियंता और कई कर्मी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी ग्रामीण मौजूद रहे। औचक निरीक्षण जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्य, हम अपने अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, इनके पूरे टीम के साथ हम लोग सब कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। जो कमी है उसको सुधार करने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है और जो काम करना है अच्छा काम हो, बेहतर काम के लिए हम लोग और सभी हमारे आम जन को स्वच्छ और शुद्ध जल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इसको हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लोग लिए हैं और जितना जिम्मेवारी दी गई है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को, पूरे टीम के लोग लगे हुए हैं। जहाँ भी हर घर में नल का जल हम लोग शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। नाथनगर थाना क्षेत्र के मस्कर बरारीपुर स्थित मखदूम शाह दरगाह लेन घाट किनारे एक बार फिर से बम जैसी वस्तु देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट किनारे एक काले रंग के प्लास्टिक में रखा लाल रंग के झोले में बारूद जैसी वस्तु दिखाई दी, जिससे स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। साथ ही लोगों ने कहा कि पूर्व में भी इस स्थान पर टिफिन बम मिला था, जिसके धमाके से एक बच्चे की मौत हो गई थी। जबकि इस तरह की घटना को देखते हुए लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की, जिसकी मांग पहले भी स्थानीय लोगों ने की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई। हालांकि बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध वस्तु की तुरंत जाँच की गई। वही इसको लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर ने कहा कि प्लास्टिक में दिखी संदिग्ध वस्तु बम नहीं है, बल्कि किसी ने शरारत करते हुए प्लास्टिक में राख भर कर फेंक दिया और पूर्व में हुई घटना के कारण स्थानीय लोगों को बम की आशंका हो गई। हम सब पावर लूम चला आए थे, ऐसे कोई आदमी बोला, परिवार बोला कि वहाँ देखे पंडित में बारूद निकला है, तो वो इसी कारण से हम सब लूम बन कर के आए। लूम बन कर के देखते हैं बारूद कहाँ गया हुआ है। पॉलिथीन में बारूद है। पहले जो घटना हुआ तो उसमें तो हम सब तो बच्चा को देखें कि मैं गया, हम सब दौड़ते हैं, पहले तो ही दौड़े तो बच्चा देखते हैं ख़त्म हो गया है। मांग किए थे किस बात का है? किस बात का मांग किए थे? मांग किए गए थे, मैं सबको पोल में कैमरा लग जाना चाहिए।
बांका अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही युवक द्वारा शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने और लड़की के गर्भवती हो जाने पर उसका गर्भपात कराकर शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। वहीं मामले को लेकर नाबालिग की मां ने बताया कि वह काफ़ी गरीब है और अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गाँव में रहती है, जबकि गाँव का ही मोहम्मद शमीम उर्फ नमी उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगा। पीड़िता की मां ने कहा कि जब उसकी पुत्री करीब 6 माह की गर्भवती हो गई तब आरोपी ने नाबालिग को विटामिन की दवा कहकर गर्भपात की दवा खिला दी। जैसे गुरुवार की देर रात उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और उसकी बेचैनी देख गांव वालों ने एम्बुलेंस की मदद से नाबालिग गर्भवती को इलाज के लिए रेफर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही लड़की का गर्भपात हो गया। साथ ही कहा कि इसके बाद भी घर आने पर लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया और इसकी शिकायत करने पर नाबालिग का वीडियो वायरल कर देने की धमकी देने लगा। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंची और लड़की एवं उसकी मां से पूछताछ की, जबकि अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला यही है कि बच्चे के पीछे परेशानी बहुत हो रहा है और उसको 8 महीने से चक्कर चल रहा है और किससे जी वो नम्मी लड़का करके नाम है, गाँव का ही है। क्या नाम बताया? नम्मी करके नाम। नम्मी जी। हाँ, 8 महीने से चल रहा है, उससे 1 साल से ही चल रहा था, हमको नहीं पता चल रहा था, मालूम नहीं पड़ा हमको, मालूम पड़ा कभी हमको कल मालूम पड़ा, जब ये डिलीवरी होने लगा ना जब उस टाइम हमको मालूम पड़ा, जब इसको फेंक करके दवा खिलाया गया ना जब उस टाइम जब दर्द हो रहा था जब उस टाइम मेरे लड़के ने बताया कि इसका हाथ है तो बोलता नम्मी का हाथ है। आपकी लड़की नाबालिग है? जी हाँ। भागलपुर के सुल्तानगंज कृष्णगढ़ मोड़ के समीप बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज एवं जदयू नेता इंजीनियर सुभानंद मुकेश सोमवार को सुल्तानगंज पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान लघु संसाधन मंत्री जयंत राज ने बताया कि कार्य योजना तैयार कर लघु सिंचाई विभाग द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हवाई सर्वे कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है जिससे लघु सिंचाई का कार्य जल्द पूरा किया जा सके। वहीं बाढ़ एवं सुखाड़ प्रभावित सभी लोगों के लिए सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाकर लाभ जल्द दिए जाने की बात मंत्री ने कही। इधर विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने कहा कि मंत्री जयंत राज जब ग्रामीण विकास कार्य विभाग के मंत्री थे तो इनके द्वारा सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण सहित कई विकास कार्य कराया गया था। साथ ही विधायक ने कहा कि अब सरकार में जयंत राज को लघु सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी मिली है और उन्हें पूरा भरोसा है कि किसानों द्वारा बोरिंग के साथ सब्सिडी बढ़ाने की मांग पर भी मंत्री द्वारा जरूरी पहल की जाएगी जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके। मौके पर जदयू जिला महासचिव विनय कुमार, जदयू महिला अध्यक्ष प्रेम प्रभात सिन्हा, प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, रानी झा और अनिल शाह सहित महागठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लघु सिंचाई के बारे में जो भी कार्य योजना है हम लोग बना रहे हैं और हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सर्वे किया है और उसके अनुसार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। जो भी अपना चेक डैम बियर का जो भी है यहाँ पूर्व का योजना है या जो नया योजना है उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अरे माननीय मंत्री जी, लघु सिंचाई हमको जब ही ग्रामीण विकास मंत्री थे सुल्तानगंज विधानसभा को बहुत मदद किए हैं, बहुत रोड दिए हैं, इनके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब से लघु सिंचाई में आए हैं हमने इनको रिक्वेस्ट किया उसी तरह सुल्तानगंज विधानसभा पर आप कृपा कीजिए और किसानों को जैसे बोरिंग मिलता है 40% सब्सिडी अभी मिलता है, उस पर बिजली भी बहुत कम रेट में उसको मिलेगा। आई बोले हैं कि अभी रुकिए हम उस सब्सिडी और बढ़ाना चाहते हैं। भागलपुर हुसैनाबाद के मुगलपुरा इलाके में स्थित हजरत शाह हसन पीर वासपा की दरगाह पर वार्षिक उर्स के मौके पर देश भर से आए लोगों ने पूरी अकीदत और आस्था के साथ चादर पोशी की।
हजरत शाह हसन पीर वास्पा रहमतुल्लाह अलैह के 83वां सालाना उर्स ए पाक को लेकर रविवार को काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल देखा गया, जहां मुगलपुरा से बाजे गाजे के साथ चादर निकाला गया, जिसे देखने के लिए विभिन्न इलाके के लोग पहुंचे। इस दौरान भागलपुर हुसैनाबाद मुगलपुरा स्थित कव्वाली मैदान में उर्स के मौके पर काफ़ी तादाद में लोग चादर पोशी के लिए मज़ार पर पहुँचे और लोगों ने मज़ार पर आकर दुआ फातिहा पढ़ा। वहीं इसके बाद कव्वाली का आयोजन भी किया गया, जिसमें दो कव्वाल के द्वारा कव्वाली भी की गई। बता दें कि दिल्ली से उस्ताद चांद कादरी और मुंबई से कव्वाल अजीम नाचा के बीच टक्कर हुई। इसके अलावा कव्वाली मैदान में मेला भी लगाया गया, जहां लोगों में काफी उत्साह देखा गया, जबकि इस दौरान बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। मेला में कई तरह के झूले और खाने पीने की दुकान के साथ कई मनोरंजक इंतजाम किए गए थे, जबकि इस दौरान रंग बिरंगी लाइट का भी इंतजाम किया गया था। वहीं शांति और सद्भाव के माहौल में आयोजन को पूरा कराने के लिए इस दौरान पुलिस की भी नाती देखी गई। इस दौरान उलेमा अकरम ने अमन शांति का पैगाम दिया, जबकि शोरा करम ने बारगाह रिसालत में नाते पाक का गुलदस्ता पेश किया। इस दौरान कमेटी से जुड़े नौजवान और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखे। मौके पर शेफी रजा कादरी, सैयद शाह मोहम्मद सहवाज, सैयद शहनवाज आलम हाफिज, कारी हाफिज, तारिक अनवर साहेब, मौलाना फारूक आजम साहेब, हुसैन मुबारक साहेब, मुमताज आलम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं शकरुल्ला चक शाही मस्जिद का खतीब व इमाम हूँ। आज आप जो ये देख रहे हैं, ये उर्स मुक़दस एक ऐसे अजीम वली का है, एक ऐसे अल्लाह के मुक़दस वली का है, जिनका नाम सैयद शाह हसन पीर बासफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। यानी आज हम लोग इनका उर्स क्या है, सिर्फ एक साल से नहीं बल्कि ये 83वां साल है। और उर्स मनाने का मकसद ये है कि हम बताते हैं कि जिनका उर्स हो रहा है ये क्यों आए थे यहाँ पर। ये आए थे इसलिए सिर्फ सफ़ा की मोहब्बत और पैगाम का मैसेज देने के लिए आए थे। आज हजरत शाह हसन पीर बासफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का 83वां उर्स हो रहा है, जो कि पिछले लगभग 83 साल से हो रहा है। आज सुबह मज़ार पोशी हुई, उसके बाद चादर पोशी हुआ, फिर मगरिब के बाद दुआ हुआ, उसके बाद जलसा शुरू कर दिया गया है। कल हर साल की तरह इस साल भी दूसरे दिन उर्स के कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आने वाले कव्वाल हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ जनाब उस्ताद चांद कादरी साहब, जो दिल्ली से आ रहे हैं, और उनका मुकाबला अजीम नाजा से होने जा रहा है। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन हाजीपुर में 9 से 11 सितंबर तक आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें देश के चर्चित हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लेकर इलाज की नई तकनीक और विधाओं पर चर्चा करते हुए कई जानकारी साझा की। इस दौरान बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और भागलपुर के प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज चौधरी ने भी व्याख्या दिया, जिसकी वहां मौजूद चिकित्सकों और अतिथियों ने जमकर सराहना की, जबकि आयोजक की ओर से डॉक्टर मनोज चौधरी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अलग अलग जगहों से आए कई हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी अपनी बात रखी और आम लोगों को किसी भी स्थिति में हड्डी से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की। भागलपुर में सोमवार को आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के कई इलाकों से पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता संवाद को लेकर पार्टी के नेता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि देश में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि इसके खिलाफ पार्टी का नेतृत्व कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश हित में अग्रसर होकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सरोकार के लिए देश भर में मुहिम चलाकर आम आदमी पार्टी जनता को जागरूक कर रही है, जिससे जल्द ही बिहार में भी बदलाव की स्थिति बनेगी। साथ ही कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर पार्टी की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि संगठन मजबूत कर पार्टी चुनाव में जनता के बीच जाएगी और देश भर में केजरीवाल मॉडल का डंका बजेगा। मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीति में मुलाकात तो होता रहता है, हर कोई अपना दाव चलता है, हर कोई अपना लोगों से बातचीत करता रहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है। दिल्ली के अंदर अपने बल पर 70 में से 67 और 70 में से 62 सीट जीती, पंजाब में अपने दम पर 117 में से 92 सीट जीती, और आज गुजरात में जिस तरीके की हवा चल रही है और हिमाचल में, आपको मैं बताऊं, आपको ताजुब होगा कि एक सर्वे के अनुसार लगभग 100 से ऊपर सीटें गुजरात में आम आदमी पार्टी को आ रही है।
ये लोग तभी बौखलाए हुए हैं, रोज़ सीबीआई और ईडी को भेजते हैं वहाँ जांच करने के लिए, रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन घबराइए मत, समय का इंतजार करिए, नवंबर में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी और तीसरे राज्य में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भी होगा और 2024 में अरविंद केजरीवाल लाल किले पर आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में, मेक इंडिया नंबर वन सपना को साकार करने के लिए पीएम पद का शपथ भी लेंगे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गोनूधाम होल्ट के पास पांका लोकल ट्रेन के झटके से गोविंदपुर नाड़ा नदी में गिरकर रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। वही घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मृतक व्यक्ति नेत्रहीन था और वह भीख मांग कर अपना गुजारा करता था, जबकि उसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वह ट्रेन की पटरी पर से गुजर रहा था, तभी अचानक भागलपुर की ओर से जा रही बांका लोकल ट्रेन आ गई, जिसके झटके से नेत्रहीन व्यक्ति नदी में गिर गया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। हालांकि शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुरैनी में बन रहे जलमीनार का पीएचडी मंत्री ने किया निरीक्षण, कहा जल नल योजना में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नाथनगर में संदिग्ध वस्तु मिलने पर इलाके में मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। बांका में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला आया सामने, पीड़ित परिजनों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सुल्तानगंज पहुंचे जल संसाधन मंत्री जयंत राज, कहा सिंचाई का रुका हुआ कार्य जल्द होगा पूरा। और उसको लेकर पीर बसपा की दरगाह पर हुई चादरपोशी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।